हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। और जो पेट्रोल इंजन है या आपका एसआई इंजन है, एसआई इंजन कह सकते हो, एसआई इंजन कौन सा होता है आपका? पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन जो है आपका इस साइकिल पे काम करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पीवी डायग्राम है, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कैसे है। देखो ये यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, इसके जस्ट नीचे हमने बना दिया है इंजन। ठीक है, इंजन का जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है वो बना दिया है। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, पिस्टन जो है सबसे पहले क्या आता है आपका, सक्शन स्ट्रोक आता है। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ होता है? टॉप डेड सेंटर पे। ठीक है, पिस्टन कहाँ होता है आपका? टॉप डेड सेंटर पे। टॉप डेड सेंटर से सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या करता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। कहाँ मूव करता है? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, और जो एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर है वो उसके अंदर ऐड होता है। तो क्या हुआ, 0 to 1 प्रोसेस जो हुई, देखो 0 से लेके ये जैसे जैसे इधर जा रहा है पिस्टन आपका, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वॉल्यूम शो कर रहा है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो 0 to 1 यानी कि पिस्टन कहां से कहां मूव कर किया आपका, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा पिस्टन, मूव करेगा आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ। और यहां पर जो ग्राफ में शो कर रहे हैं वो पॉइंट कहां है, 0 to 1। 0 to 1 क्या हुई, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका सक्शन हुआ, चार्ज इनलेट हुआ। ठीक है, जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है आपका वो इनलेट हुआ। फिर 1 पे पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद पिस्टन, फिर क्या होता है आपका, वाल्व इनलेट वाल्व क्लोज हो जाती है और पिस्टन वापस मूव करता है बीडीसी टू टीडीसी, और उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, प्लस प्रेशर इंक्रीज होगा। कंप्रेस कर रहे हैं ना उसको, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वो जो प्रोसेस है वो ये शो कर रही है 1 to 2। देखो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 1 to 2 आएगा आपका क्या होगा, कंप्रेशन होगा, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है वो 1 to 2 शो हो रहा है। कंप्रेशन स्ट्रोक कहां से कहां शो हो रहा है, 1 to 2 कंप्रेस हुआ ये। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद देखो वो पिस्टन कहां पहुंच गया, वापस देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि वापस टीडीसी पे पहुंच गया। टीडीसी पे पहुंचने के बाद जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तो स्पार्क प्लग आपका स्पार्क इग्नाइट करता है। ठीक है, स्पार्क इग्नाइट होते ही आपका फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल जब बर्न होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, पिस्टन उसी जगह रहता है, मतलब जो बर्निंग है ना वो बहुत कम टाइम में, सेकंड के बहुत छोटे पार्ट में आपकी बर्निंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक्चुअल आपका जो है इंजन इसी साइकिल पे काम करता है। ठीक है, एक्चुअल में जो बर्निंग है वो पहले स्टार्ट होती है और कुछ देर बाद तक रहती है, यानी कि जो एक्चुअल साइकिल अगर आप देखें तो एक्चुअल साइकिल जो बनता है वो इस टाइप से बनता है। ये आपका साइकिल होता है एक्चुअल साइकिल। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि आपका जो है इसी पे काम कर रहा है, क्योंकि इस साइकिल का हम एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हम मान के चल रहे हैं कि पेट्रोल इंजन आपका इसी साइकिल पे काम कर रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपकी बर्निंग हुई, हीट एडिशन हुई, क्या हुई, हीट सप्लाई कहाँ हुई, यहाँ पर हुई आपकी हीट सप्लाई QS, 2 to 3 प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हुई। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्या करेगा, पिस्टन को वापस धकेलेगा, 3 to 4 वापस पिस्टन पीछे जा रहा है, पिस्टन पीछे जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं 3 to 4 जो आपका एक्चुअल में क्या है, पावर स्ट्रोक है। 3 to 4 क्या है, पावर स्ट्रोक है। फिर 4 पे पहुंचने के बाद, 4 पे पहुंचते ही आपका क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और आपकी जो हीट रिजेक्ट होगी वो यहां पर होगी, हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि पिस्टन जब इसी पॉइंट पे है, जब तक पिस्टन बीडीसी पे है, तभी एक सेकंड में आपका, एक सेकंड से भी बहुत कम टाइम में आपका एग्जॉस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेजिड्यूअल जो बचा हुआ है बाहर,
यानी कि ये इसको बोलते हैं 421 को क्या बोलेंगे, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, और जो उसके अंदर जो भी एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह है वापस पिस्टन 120 मूव करेगा, यानी कि जो है एग्जॉस्ट वाल्व खुली है बीडीसी से ये टीडीसी की तरफ मूव करेगा, और यहाँ आने के बाद आपका एग्जॉस्ट जो है बाहर निकल जाएगा सारा, जैसे ये एग्जॉस्ट को धकेलेगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हीट रिजेक्शन एक्चुअल में 120 भी होती है, बट हम उसको अभी काउंट नहीं करेंगे एनालिसिस में, एनालिसिस में उसको काउंट नहीं करते हैं, बस ये देखते हैं कि 120 जो है बस एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही है, ठीक है। 120 आपकी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई, पिस्टन वापस यहां पे आ गया, फिर से वही प्रोसेस 0 to 1, 1 to 2, ठीक है, फिर 3 to 4 यहीं पे, फिर 2 to 3 यहीं पे, 3 to 4 में फिर 4 to 1 यहीं पे, फिर 4 to 0, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ये इसमें ये जो दोनों प्रोसेस होती है यानी कि कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, ये जो दोनों प्रोसेस है ये होती है आपकी आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक, या इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी बोल सकते हैं। ये कौन सी है आपकी प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसको टीएस डायग्राम पे शो करेंगे, देखो 1 to 2 जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक है, तो ये 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, इसी पे होगी ना, जब ये आपका वर्टिकल लाइन होगी तभी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे S1 और S2 इक्वल है, एक ही है, ठीक है, 1 to 2 प्रोसेस होगी। फिर 2 to 3 आपकी ये है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये और ये दोनों प्रोसेस क्या है आपकी, देखो 2 to 3 क्या है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। आप मैंने बताया था आपको थर्मोडायनेमिक्स में कि हमने पहले पढ़ा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम कैसे शो करते हैं ग्राफ पे, ठीक है, टीएस डायग्राम पे, और यहां पर ये भी बताया था कि पीवी डायग्राम पे आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को कैसे शो करते हैं। तो ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है दोनों 2 to 3, फिर 3 to 4 फिर से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो 3 to 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, 4 to 1 फिर से आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये टीएस डायग्राम पे हो गया। हाँ, टीएस डायग्राम पे जब हम शो करेंगे तो 0 to 1 वाला शो नहीं करते यहाँ पे, यहाँ पर 0 to 1 वाला जो पार्ट है वो हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं, पहले इसकी प्रोसेसेस देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोसेस है, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो 0 to 1 जो हो रही है, 0 to 1 कौन सी प्रोसेस है, सक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, सक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है आपका, पिस्टन मूव कर रहा है आपका टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी पिस्टन मूव कर रहा है यहां से यहां तक, ठीक है। फिर आपकी 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक या फिर आपको रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी लिख सकते हो इसको, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और क्या हो रहा है 1 to 2 कंप्रेशन, कंप्रेशन हुआ, पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है आपका, बीडीसी से टीडीसी पे पिस्टन मूव कर रहा है, बीडीसी टू टीडीसी, ठीक है। उसके बाद 2 to 3 प्रोसेस, 2 to 3 देखो पिस्टन वहीं पे है आपका, लेकिन यहां से आपकी हीट सप्लाई हो रही है, और कहां पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इस जगह देखो V2 एंड V3 इक्वल है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इस पॉइंट पे V2 इक्वल टू V3, देखो यहां पर V2 भी वही है और V3 भी वही है। तो 2 to 3 प्रोसेस जो होगी वो होगी आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, पिस्टन आपका मूव नहीं करेगा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में 2 to 3 प्रोसेस में पिस्टन वहीं पर रहेगा, पिस्टन टीडीसी पे ही रहेगा। फिर 3 to 4 प्रोसेस, 3 to 4
थ्री टू फोर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कौन सा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक या फिर लिख सकते हो इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इस केस में आपका पिस्टन यहां से यहां मूव कर रहा है, यानी कि टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है। और फिर 4 to 1 में हीट रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देखो यहां पर भी वही चीज है कि V1 इक्वल टू V4 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका V1 वॉल्यूम भी वही है और V4 वॉल्यूम भी वही है, ठीक है। तो 4 to 1 प्रोसेस जो हुई क्या हुई, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। इसमें भी आपका पिस्टन यहीं पर रहेगा, बीडीसी पे ही रहेगा। देखो 4 पे भी पिस्टन यही है, 1 पे भी पिस्टन आपका यही है, ठीक है। फिर आपकी प्रोसेस आई है 1 to 0, लास्ट प्रोसेस क्या है 1 to 0, प्रेशर कांस्टेंट है और क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है, एग्जॉस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे एग्जॉस्ट हो रहा है, पिस्टन कहां से काम मूव कर रहा है, बीडीसी से टीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, ठीक है। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, देखो 4 स्ट्रोक हुए कि नहीं हुए, यहां से एक स्ट्रोक टीडीसी टू बीडीसी, फिर दूसरा स्ट्रोक बीडीसी टू टीडीसी, फिर तीसरा स्ट्रोक और फिर ये चौथा स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, 4 स्ट्रोक हुए आपके इसमें। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, साइकिल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में देखते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये हम पार्ट इसका हटा देते हैं। ये स्पेस खाली कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब निकालते हैं इसमें, देखो वर्क डन क्या होगा, इस साइकिल में वर्क डन क्या होगा, हीट सप्लाई की आपने उसमें से कुछ हीट रिजेक्ट की, हीट सप्लाई की मान लो आपने QS और QR आपकी हीट रिजेक्ट हो गई, तो एक्चुअल में वर्क डन क्या हुआ, जो उसके अंदर हीट बची वही तो वर्क में कन्वर्ट हुई, यानी कि QS माइनस QR, QS माइनस QR क्या हुआ, वर्क डन, ठीक है, QS माइनस QR वर्क डन। वर्क डन का दूसरा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। वर्क डन क्या, QS माइनस QR यहां से हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, ये आपका वो किसमें कन्वर्ट होगा, वर्क में। तो इफिशियंसी क्या होती है, थर्मल इफिशियंसी, ठीक है, थर्मल इफिशियंसी यानी कि नेटा थर्मल, ये होगा आपका वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई, यही होता है इफिशियंसी, क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो थर्मल इफिशियंसी आई, वर्क डन क्या है, QS माइनस QR और हीट सप्लाई क्या है आपकी QS। अब QS क्या आएगी, QS लिख लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हो रही है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन को कैसे लिखते हैं, MCV डेल्टा T, डेल्टा T मतलब T3 माइनस T2, ठीक है, MCV DT, और हीट रिजेक्टेड का क्या हो जाएगी, MCV हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर ही लिखेंगे, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी यहां पे लगा दिया, ठीक है। अगर आप फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखते हो तो यहां आपको प्लस लिखना पड़ेगा, तो इसको हीट रिजेक्टेड ही लिख लिया है, तो हमने इसको पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि T4 माइनस T1 लिखेंगे,
इतनी हीट बाहर चली गई, ये एक्चुअल में नेगेटिव अमाउंट, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर T1 माइनस T4 करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू, नेटा थर्मल की वैल्यू MCV T3 माइनस T2 माइनस MCV T4 माइनस T1 डिवाइड बाय MCV T3 माइनस T1। तो यहां से देखो MCV ऊपर से कॉमन आ जाएगा और ये नीचे इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे भी ये करेंगे और इसके नीचे भी ये करेंगे तो T3 माइनस T2 से T3 माइनस T2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, नेटा थर्मल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 1 बच जाएगा। देखो इसको इसके नीचे भी, इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको, इसको T3 माइनस T2 डिवाइड बाय T3 माइनस T2 लिखेंगे माइनस में, और T4 माइनस T1 के नीचे भी T3 माइनस T2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नेटा थर्मल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है नोट करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं मुझे ये एक्चुअल में मैं इसको साइड में कहीं लिखना चाह रहा हूं, यहां लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम यहां लिख लेते हैं, नेटा थर्मल की वैल्यू आई आपके पास 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2। अभी इसको सॉल्व करेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। मुझे ये चाहिए अभी भी डायग्राम, अभी चाहिए आपको, तो अभी आगे सॉल्व करते हैं। देखो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सी है, 1 टू 2 एंड 3 टू 4, 1 टू 2 एंड 3 टू 4 कौन सी है आपके पास, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। 1 टू 2 एंड 3 टू 4 आपके पास है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी लिख सकते हो ना इसको, इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक लिख लेते हैं। एडियाबेटिक के लिए आइडियल गैस इक्वेशन करवाई थी अगर याद हो तो आपको, T2 बाय T1, 1 टू 2 है ना, T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1। ये आइडियल गैस इक्वेशन की थी हमने थर्मोडायनेमिक्स में, अगर नहीं नहीं आपको पता चल रहा है अगर तो इसको वापस फिर से लेक्चर देख लो, आइडियल गैस इक्वेशन जहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय V1 इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1 आएगा इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और 3 टू 4 भी वही है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो हम इसके लिए भी लिख लेते हैं कॉमा, T3 बाय T4 इज इक्वल टू V4 बाय V3 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज हो, ये एक्चुअल में ये जो यहां पर जो ये वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, ये V2 या V3 है, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या है, V2 या V3। अच्छा हम ये चीज तो पता लग गया हमें कि V2 इक्वल टू V3 है, ये जो है V2 और ये V3 इक्वल है, और V1 किसके इक्वल है, V4 के इक्वल, तो V1 और V4 ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज, V2 जो है ये वाला वॉल्यूम यहां तक ही पिस्टन आ रहा है, तो यानी कि ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। देखो ये जो पॉइंट है ये जीरो पॉइंट है, इस ओरिजिन वाली या जीरो लाइन से कॉन्साइड नहीं हो रहा है, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो वॉल्यूम इतना बचा हुआ है ये वॉल्यूम क्या है आपका, ये वॉल्यूम आपका क्लियरेंस वॉल्यूम,
ये क्लियरेंस वॉल्यूम है और यहाँ से यहाँ तक TDC to BDC ये स्वेप्ट वॉल्यूम है और जीरो से लेके अगर यहाँ तक जाएंगे यानी कि V1 या V4 ये है आपका टोटल वॉल्यूम, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल वॉल्यूम है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है और जो बीच में है ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो V1 या V4 को तो हम टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं और V2 या V3 को हम लिख सकते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू VC यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम एंड V1 इक्वल टू V4 इसको लिख सकते हैं VT, ये क्या है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम का मतलब VC प्लस VS क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। वी ये आपका है टोटल वॉल्यूम। अब देखो T2 बाय और हाँ एक और चीज VC बाय VT ये आपका होता है R यानी कि कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो क्या होता है, यही होता है क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आपका कंप्रेशन रेशो है। तो यानी कि ये भी तो VC ये क्या है V1 क्या है VT सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने VT बाय VC होता है सॉरी हम सो सॉरी VT बाय VC होता है आपका कंप्रेशन रेशो R, ठीक है। VT बाय VC होता है कंप्रेशन रेशो R। देखो अब यहां पर हम V1 बाय V2 इक्वल टू V4 बाय V3 होगा क्योंकि V1 V4 के इक्वल है, V2 V3 के इक्वल है और ये दोनों किसके इक्वल है VT बाय VC और इसको क्या लिख सकते हैं हम R, यानी कि इस वाले पार्ट को भी R लिख सकते हैं और इस वाले पार्ट को भी हम R लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये V1 by V2 क्या है एक्चुअल में VT by VC है और V4 by V3 भी क्या है VT by VC है जो कि R के इक्वल है। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं यानी कि T2 by T1 इक्वल टू T3 by T4 और इसको लिख सकते हैं R की पावर गामा माइनस 1 R की पावर गामा माइनस 1 है ना। ये इक्वेशन एक और आ गई आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे फिर आगे, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये अब हमें स्पेस की जरूरत इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर लिखेंगे T2 by T1 इक्वल टू T3 by T4 इक्वल टू R की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इस और इसको रख लो बस, बाकी को हटा दो। अभी जो हमारे पास आया वो क्या आया है T2 by T1 equal to T3 by T4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इसको क्या सॉल्व करते हैं, इसको T1 को इधर ले जाओ और T3 को आप इधर ले आओ, इन दोनों को आपस में स्वैप कर लो। तो ये आपके पास बन जाएगा T2 by T3 equal to इधर T1 हो जाएगा और इधर T4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोनों साइड माइनस 1 कर दो, इधर भी माइनस 1 और इधर भी माइनस 1 कर सकते हैं ना हम, जैसे दोनों साइड इक्वल में कोई चीज है 5 है इधर भी 5 है, इधर माइनस 1 करोगे तो इधर भी माइनस 1, इधर 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों साइड आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड मैंने माइनस 1 कर दिया, ठीक है। और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहां पर क्या आएगा T3 ऊपर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू नीचे T4, तो यहां पर क्या हो जाएगा अरे T3 आएगा T2 माइनस T3, यहां पर आएगा T1 माइनस T4, ठीक है। तो अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं,
इन दोनों को फिर से हम स्वैप कर लेते हैं, यानी कि T4 को इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, T2 माइनस T3 को इधर लेके जाएंगे तो आपका डिवीजन में चला जाएगा। तो T4 बाय T3 इज इक्वल टू T1 माइनस T4 डिवाइड बाय T2 माइनस T3। और एक काम और करते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो T4 बाय T3 की वैल्यू देखो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो T1 माइनस का हो जाएगा और T4 प्लस का, तो T4 माइनस T1 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस 1 से यहां माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, यानी कि T3 प्लस का और ये T2 माइनस का ऊपर नीचे, ठीक है। यहां एक्चुअल में ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके प्लस ही हो रहा है, तो माइनस 1 से यहां मल्टीप्लाई करके और माइनस 1 से यहां। अब वापस यहां पे देखो T4 माइनस T1 यहां पर T4 माइनस T1 है, T3 माइनस T2 यहां पर T3 माइनस T2 है। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है इसको लिखो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है ये इसमें पुट कर देते हैं, क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। 3 की जो वैल्यू आई है वो 1 में पुट करो तो नीटा थर्मल की वैल्यू देखो इसकी जगह पे क्या लिखना आपको, T4 बाय T3, 1 माइनस T4 बाय T3, ठीक है। बट अभी एक और काम बाकी है कि T3 बाय T4 R की पावर गामा माइनस 1 है, T3 बाय T4 क्या है, R की पावर गामा माइनस 1 है, T3 बाय T4 R की पावर गामा माइनस 1 है, तो यानी कि इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो T4 बाय T3 चाहिए हमें यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो 1 माइनस 1 बाय T3 बाय T4 ऐसे लिख ले, और T3 बाय T4 की वैल्यू यहां से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू से हमने वैल्यू पुट की तो नेटा थर्मल की वैल्यू आई 1 माइनस 1 बाय R की पावर गामा माइनस 1। यही है आपकी थर्मल इफिशियंसी, ये क्या है, थर्मल इफिशियंसी, ठीक है। क्या किया, T3 बाय T4 की वैल्यू यहां से पुट कर दी R की पावर गामा माइनस 1, ये आपकी है थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए, ऑटो साइकिल की थर्मल इफिशियंसी 1 माइनस 1 बाय R की पावर गामा माइनस 1। अब आपको R भी पता है, गामा इसका क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है, ठीक है, ये सब वैल्यू पुट करके आप इफिशियंसी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हो, और बाकी सब आपको पता है, आप बस अच्छे से पढ़ाई करो। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी उसके जल्दी जल्दी लेक्चर्स डालने की, ताकि आपका सिलेबस जल्दी हो जाए, काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने हैं हमें, पूरे मैकेनिकल पे डालने हैं, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, बट कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी डालने की, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।